जनजातीय जिला लाहौल स्पीति के स्पीति पिन घाटी से भावा दर्रा की तरफ भारी बारिश और बर्फबारी के कारण फंसे हुए 12 गद्दी समुदाय के लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है। यह जानकारी एडीसी लाहौल स्पीति राहुल जैन ने दी है। उन्होंने बताया कि इसके साथ ही फंसी हुई 1200 भेड़ बकरियों को भी सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। मौके पर पहुंची प्रशासन की टीम ने निरीक्षण किया तो करीब 400 भेड़ों की मौत हो चुकी है, जबकि 50 भेड़ें अभी लापता हैं। चंद्रताल में फंसे हुए एक गद्दी को छोड़कर सभी गद्दी समुदाय के लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है। 14 जुलाई को स्थानीय लोगों की मदद से एक रेस्क्यू टीम कुंजुम टॉप और चंद्रताल में फंसे लोगों को चारा, दवाइयां और राशन मुहैया करवाया गया। दूसरी टीम जो कि पिन घाटी में सगनम घाटी में फंसे हुए रूपी गांव जिला किन्नौर के गद्दियों को समूह को रेस्क्यू करने के लिए गई थी, उनको यहीं पर सूचना मिली कि 8 और गद्दी फंसे हुए थे। उन्हें दवाइयां, राशन और चारा मुहैया करवाया गया। वहीं तीसरी रेस्क्यू टीम मुद गांव से सुबह 4 बजे लापता हुए 6 गद्दियों को ढूंढने के लिए रवाना हुई, जो कि रामपुर क्षेत्र के गांव कूट से संबंध रखते थे। मुद से 17 किलोमीटर दूर भावा पास के नज़दीक दो नालों के बीच में 1100 के करीब भेड़ बकरियां फंसी हुई थी। इसके बाद रेस्क्यू टीम ने नालों के प्रवाह को बदला और भेड़ बकरियों को रेस्क्यू किया। करीब 4 घंटे बाद सारे गद्दी मूद गांव के पास पहुंच पाए। हिमाचल और देश दुनिया से जुड़ी हर बड़ी अपडेट के लिए बने रहिए EWN 24 न्यूज चॉइस ऑफ हिमाचल के साथ।